पूर्व नगराध्यक्ष श्याम महेंद्र पाटिल ने अपने वादे के मुताबिक दिग्रस नगर पालिका की उर्दू शाला क्रमांक एक की कक्षा तीसरी के नवीनीकरण के तहत फ्लोर टाइल्स का काम पूरा किया है। उनके सामाजिक दायित्व के इस जज्बे ने शहरवासियों के समक्ष एक प्रेरक मिसाल कायम कर दी है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर न सिर्फ कबड्डी के लिए बल्कि कौमी एकजहती यानी आपसी भाईचारे के लिए भी मशहूर है। विभिन्न जाति समुदायों से आने वाले कई लोग कभी संगठन की शक्ल में तो कभी व्यक्तिगत तौर पर शहर में समाज हितैषी उपक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये सिलसिला यहाँ बरसों से चला आ रहा है। सामाजिक कार्य फिर वो सामाजिक स्तर पर हो या प्रशासकीय स्तर का हो, यहाँ के जिंदा दिल लोग उसमें अपनी अपनी से हिस्सा जरूर लेते हैं। हाल ही में सामाजिक कार्यों में सदा अग्रसर रहने वाले पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम पाटिल ने नगर पालिका की कैलाशवासी मोतीराम जी उर्दू शाला क्रमांक एक की तीसरी कक्षा के नवीनीकरण के तहत कक्षा में फ्लोर टाइल्स लगवाई, साथ ही वाटर कूलर की जगह पर भी उन्होंने टाइल्स बिछा दी। हाल ही में मुख्याधिकारी अतुल पंत ने भी इस स्कूल को भेंट देकर इस पहल की सराहना की थी। खुद श्याम पाटिल ने कक्षा नवीनीकरण की इस काबिले तारीफ पहल के बारे में एनबीसीएन न्यूज के समक्ष जानकारी दी है। या वर्षी आपल्या नगर परिषदेला 100 वर्ष पूर्ण होत आहे। नगर परिषदेमार्फत शताब्दी महोत्सवाचं साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे। या कार्यक्रमातच नगर परिषदेच्या जे शाळा आहेत त्या शाळेच्या खोल्याकरता किंवा कशाकरता नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन तत्कालीन मुख्याधिकारी माधुरीताई मडावी यांनी केले होते। त्याला अनुसरूनच आमच्या आजोबाच्या नावाची जी स्वर्गीय मोतीराम पाटील नगर परिषद उर्दू शाळा क्रमांक एक आहे त्या शाळेची एक वर्गखोली नूतनीकरण करून दिली होती। तसेच मंगेशभाऊ दुद्दलवार यांनी त्यांच्या आजोबाच्या नावाने असणारी बापूनगरमधील शाळा त्याची एक खोली नूतनीकरण करून दिली। त्याच हिशोबाने नगर परिषद उर्दू शाळा जी आमच्या आजोबाच्या नावाने आहे स्वर्गीय मोतीराम पाटील उर्दू शाळा क्रमांक एक त्या शाळेची एक वर्गखोली माझे बंधू भारत महेंद्रे यांनी टाईल्स आणि कलरिंग करून अत्यंत अशी आधुनिक पद्धतीने नूतनीकरण करून दिली। त्याच शाळेतील एक वर्गखोली आमचे वडील माजी नगराध्यक्ष स्वर्गीय शंकरराव माणिकराव महेंद्रे पाटील यांच्या नावाने एका खोलीचे टाईल्स वगैरेचं नूतनीकरण मी सुद्धा करून दिलं आहे। त्या वर्गखोलीचं नूतनीकरण जेव्हा केलं त्यावेळी तिथे जे विद्यार्थ्यांकरता पाणी पिण्याची व्यवस्था होती ती मला योग्य अशी वाटली नाही, त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याच्या विद्यार्थ्यांना चांगलं सोयीचं व्हावं, शुद्ध पाणी पिण्याकरता मिळावं व त्यातील परिसर स्वच्छ असा राहावा म्हणून पिण्याच्या पाण्याचा जो परिसर होता त्यालासुद्धा मी टाईल्स वगैरे लावून नूतनीकरण करून दिलेलं आहे। या शाळा एकच शाळा पूर्णपणे नूतनीकरण करून व्हावी असा आमचा उद्देश होता। काही नागरिकांनी प्रतिसाद दिला त्यामुळे ह्या शाळा विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीने वापरण्यास आधुनिक झाल्या याचा मला अभिमान वाटतो। इस पहल ने एक बार फिर दिग्रस शहर में सामाजिक दायित्व को खूबसूरती से निभाने की प्रेरक मिसाल कायम कर दी है जिसकी समाज के हर स्तर पर सराहना की जा रही है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।